भाई आज है सोमवार, तारीख है 19 और आज है अपना दिन तीसरा। वही हसल वही फसल, और आप चेहरा देख ही सकते हो। सुबह सुबह मेरा चेहरा जो है बहुत ही ज़्यादा चमक मारता है मुझे भी, जो कि बहुत देख के बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन क्या करें, कब तक देख पाऊँगा नहीं देख पाऊँगा मुझे भी पता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये लोग ये हरामी कुछ लोग हैं जबरन ऑन वॉन बजाते रहते हैं, और काफ़ी बढ़िया है यार, होना भी चाहिए। ज़िंदगी हमेशा बढ़िया ही रहनी चाहिए, जितना है जो है उसमें खुश रहो भाई। यदि आप मतलब बहुत लोगों को ऐसा एंजाइटी फील होती है क्योंकि आप सोशल मीडिया की दुनिया जो देखते हो ना, सब लोग आपको वहाँ पे रईसी दिखाते हैं, सबके पास बहुत पैसा है, सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको वो चीज़ें भी दिखाऊंगा जो सच में एक ज़िंदगी का हिस्सा होती है सभी। जैसे कि अब मैं हूँ भाई, मैं टू व्हीलर पर भी घूमता हूँ, मैं फोर व्हीलर पर भी घूमता हूँ, मैं सब तरीके से घूमता हूँ। जो चीज़ मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ, जो चीज़ है मेरे पास मैं उसमें खुश हूँ। मैं यही आपको भी बोलता हूँ, मैं सभी को बोलता हूँ कि भाई बेजबरन की किसी से होड़ ना करें, जो है आपके पास उसमें खुश रहें और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिशें करते रहें। दैट्स इट, आप ये फंडा अपनाइए, अपने आप आपको ऊपर वाला इतनी सारी चीज़ें देगा, इतनी सारी चीज़ें देगा जिसकी आपने उम्मीदें भी नहीं करी, समझ रहे हो। और बाकी और हाँ, और मैं ये कह रहा था कि खुद पे अगर आप ध्यान दोगे ना तो भाई चीज़ें आपके अनुसार होंगी, चीज़ें आपके अनुसार ही चलेंगी। जैसे कि अब मैं अगर आपको बताऊं तो मैं अपनी स्किन केयर पे ध्यान देता हूं, देखो बिना फिल्टर बिना किसी उसके मैं इंस्टाग्राम पे भी बिना किसी फिल्टर बिना किसी एडिटिंग के वीडियो डालता हूं, यहां पे भी बिना किसी फिल्टर बिना किसी एडिटिंग के, भाई जैसे हो वैसे दिखो ना भाई लोगों को। लोग बाग मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे बहुत एडिटिंग करके फ़ोटो डालते हैं, खास करके लड़कियाँ भाई की। भाई मतलब मैंने कुछ लड़कियाँ ऐसी देखी हैं जो मतलब भाई भाई ऐसा बोलना नहीं चाहिए, काले गोरे में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई ये रेसिज्म जो लोग बाग लेकर आए ना, ये वो खुद लोग लेकर आए हैं, ये अपन लोग लेकर नहीं आए, वो लोग खुद लेकर आए। वो कैसे भाई, खुद इतनी एडिटिंग कर करके फ़ोटो डालते हैं कि भाई काले से गोरे हो जाते हैं। अब भाई उसके बाद अगर भाई किसी की एक्सपेक्टेशन जो है वो आपने गोरा कर दिया है ना, अब वो तो आपको गोरा समझ रहा है, अब वो आपको आके काला देखेगा तो भाई उसको तो दिमाग ख़राब हो ही जाएगा ना, है कि नहीं भाई। तो ये रेसिज्म अपन लोग लेकर नहीं आए, वही लोग लेकर आए। तो मेरा यही कहना है कि भाई ऐसा मत किया कीजिए, ये सोशल मीडिया की दुनिया है, इतना नकली मत बनिए, वैसे ही नकली हैं अपन लोग, इतना भी नकली मत बनिए। और ये आप देख सकते हो जो पूरा एरिया देख रहे हो, ये शाहपुरा है भोपाल का, या भोपाल वाले लोग देखेंगे तो उन्हें तो पहचान में आ जाएगा, लेकिन जो भोपाल के बाहर से देख रहे हैं लोग बाग मेरी वीडियो, मैं उनको यही बस बोलना चाहता हूँ कि भाई ये बहुत सुंदर है भाई धरती। वो गाना भी है ना, धरती सुनहरी अंबर नीला ऐसा देश है मेरा। तो भाई सच में भाई मेरा देश बहुत प्यारा है, अपने देश से प्यार करो और यहाँ के लिए जियो, अपने लिए जियो, और ख़ास करके भाई बहुत सारी मेहनत करो, दैट्स इट भाई। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता भाई, तुम खुद देख लो। मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ और सुबह 7 बजे से उठ के कुछ ना कुछ हसल करते ही रहता हूँ। तो भाई वही हसल करेंगे, वही फसल करेंगे, यही बस, और एक ना एक दिन सफल ज़रूर होंगे। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों, सफल अपन को होना है भाई, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता भाई। अगर कोई रोक सकता है तो वो है अपन खुद, समझ रहे हो। और देखो सबसे पहले मेरी दिन की शुरुआत मैं आप लोगों को बताता हूँ, दिन की शुरुआत होती है मेरी यहाँ से, ये है मनीषा मार्केट, ये मनीषा मार्केट है, यहाँ से मैं ख़रीदता हूँ ब्रेड, जो कि मैं ब्रेड डालने जाता हूँ मछलियों को। एक मिनट का मैं पॉज करूँगा ये वीडियो, क्योंकि मुझे ब्रेड ख़रीदनी है भाई, पेमेंट मेरे फ़ोन से है भाई। अपन ने ब्रेड वगैरह ख़रीद ली है मछलियों के लिए मतलब भाई मछलियों के लिए और भाई मछलियों को खाना वाना खिलाना चाहिए भाई, मतलब ऐसे ही मतलब मुझे अच्छा लगता है इसलिए खिलाना चाहिए, आप लोगों को भी खिलाना चाहिए, सब लोग कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहना चाहिए जो आपको खुशी दे। ये हमारा शाहपुरा लेक मनीषा मार्केट लेक कह सकते हैं, अरे बहुत सारे नाम हैं यार भाई, मैं गिनाते थक जाऊँगा जगहों के। और बोलते ही हैं भाई भोपाल इज़ द सिटी ऑफ लेक भाई, तो बेस्ट सिटी है, बेस्ट। मैं भले ही यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई एक बार आ गया भोपाल में, वापस नहीं जा सकता भाई अगर वो एक बार ये सिटी घूम लिया, क्योंकि
कि भाई दूसरे शहरों में, मैं तुम्हें खासियत बताता हूँ हमारे शहर की खासियत क्या है। हमारे शहर की खासियत है यहाँ पे 20 किलोमीटर में हमारा ये पूरा शहर है, 20 से 25 किलोमीटर में। अब भाई जो दिल्ली मुंबई वाले लोग हैं ना भाई, वो लोग आएंगे ना, वो लोग तो ऐसे खुश हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि भाई ये तो जन्नत है, क्योंकि घर से निकले सब सामान है, घर से निकले कहीं भी घूमने जाना, घर से निकले यहाँ पहुँच गए, घर से निकले वहाँ पहुँच गए, भाई टाइम यहाँ पे बहुत बचता है, समझ रहे हो। अब देखो मैं घर से निकला, मैं फटाफट मछलियों के पास ही पहुँच गया, फटाफट अब मछलियों को मैं यहाँ पे खिलाऊंगा उनकी मनपसंद आटे वाली ब्रेड। आटे वाली ब्रेड इसलिए खिलाते हैं क्योंकि भाई आटा जो रहता है, आटा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। भाई मैदा तो अपने लिए बुरा होता है, तो फिर भाई मछलियों के लिए तो और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है ना, इसलिए भाई जो क्या कहते हैं यार, आप देख सकते हो यार, बस एक ही दिक्कत है ये टू व्हीलर में, एक ही दिक्कत होती है बस टू व्हीलर में भाई, कि यहाँ पे बाल बाल ख़राब हो जाते हैं, थोड़ा सा दाढ़ी वाड़ी भी आपकी ख़राब हो जाती है। ये है अपना मनीषा मार्केट प्लेस, ये अपन ने मछलियों को सब तरह की ब्रेड वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा ब्रेड का पैकेट खाली हो चुका है, ये पूरा खाने में लगी हुई है मछलियाँ। ये देखो आप, ये हमारे लेक की मछलियाँ फटाफट से अभी पूरी ब्रेड यहाँ पे खाली कर देंगी। ये पूरा मनीषा मार्केट लेक है, बहुत सुंदर लेक है। अब आप लोग देख सकते हो कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये भाई पार्क है, मनीषा मार्केट का पार्क है, और यहाँ पर बहुत शानदार व्यू भी है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है वो व्यू, देखने में बहुत ही अप्रतिम है। तो आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सब देख करके, और मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि रोज़ कुछ ना कुछ, ये मेरी धन्नो है, धन्नो काफ़ी ही धन्नो की चाबी यार, मेरी चाबी गुम गई है, और फिर मैंने सोचा कि यार चाबी अभी यार गुमने का बहुत ही एक बड़ा मेरे को एक तो डर लगता है, तो फिर मैंने देखा कि अरे नहीं चाबी तो मिल गई है, चाबी तो मेरी जेब में ही रखी है, बूम बूम, बस फिर क्या था, फिर मैंने लगाई चाबी, करी अपनी धन्नो चालू, और मैं हो गया जिम के लिए रवाना। और जिम का रास्ता मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मेरे जिम जाने तक का रास्ता इस शाहपुरा लेक से बहुत ही सुनहरा है, आप लोग भी देखना चाहोगे कभी भोपाल आओ तो शाहपुरा लेक ज़रूर आना भाइयों और बहनों। ये देखो, ये अपन निकल पड़ी अपनी फुरपुरी, और ये अपन चल दिए, ये देखो स्कूल बस जा रही है साइड में, और यहाँ पे ये देखो वॉकिंग वॉकिंग चल रहा है अभी, देखो आगे ये देखो अंदर पार्क में एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा है, दुम 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 दुम, बढ़िया यार, कितना अच्छा लगता है ना यार लोगों को देख करके सुबह सुबह मॉर्निंग में, कुछ ना कुछ अपनी फिटनेस के लिए अपनी हेल्थ के लिए करने के लिए निकल जाते हैं लोग बाग, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जो लोग भी अपनी फ़िटनेस पे अपने ऊपर ध्यान देते हैं ऐसे लोग, मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा यार इन लोगों के लिए ऐसा सोचता हूँ कि यार कितने अच्छे लोग हैं, जो इंसान अपने लिए मेहनत कर सकता है वो सबके लिए मेहनत कर सकता है। और ये देखो आप सुबह सुबह पढ़ाई कर रहे हैं किताब खोल के, ये जो आँखें जो देख रही हैं ना चीज़ें भाई, ये सिर्फ़ और सिर्फ नेचर में दिख पाएंगे। ये देखो पैसा कमाने के लिए नारियल पानी का ठेला लगा के बैठ जाते हैं, इतने बड़े बड़े टीले बना देते हैं नारियल के, यही है जहाँ चाह है वहाँ रहा है, पैसा कमाने वाला कहीं से भी पैसा कमा लेता है। और आप देखो ये जो व्यू है ना भाई, ये व्यू आँखें जो हैं इसी के लिए तो अपन आए हैं यार, देखो नेचर को कितना अच्छा है, पूरे जगह पे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, बेहतरीन पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पे, मस्त ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है मॉर्निंग में, और मस्त यार फुरफुरी वाली बारिश और हो रही होती ना तो और मज़ा आ रहा था, पर ठीक है अभी बारिश का मौसम है भी नहीं तो कैसे आएगी फुरफुरी। और अब आपको मैं लेके जाता हूँ हमारे यहाँ के फेमस मोमो स्ट्रीट पे, जो कि ओल्ड कैंपियन ग्राउंड रोड पे पड़ता है, ओल्ड कैंपियन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक कैंपियन स्कूल है जो कि बहुत पुराना है, इसलिए उसे ओल्ड कैंपियन बोलते हैं। और
ये है मोमो स्ट्रीट। यहाँ पे दो लोगों के मोमोज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें एक का नाम है आयुष मीना मोमोज़, एक का नाम है राहुल मीना मोमोज़। ये देखो, ये रहा आयुष मीना, आगे आएगा, यहाँ देखो वीर जी चाप वाले भी हैं, यहाँ ये आ गया राहुल मीना मोमोज़। तो दोनों भाई भाई नहीं हैं, मीना सरने में एक जैसे हैं पर भाई नहीं है। अब आप ये देखो, ये रहा, ये जो आप राइट साइड में बाउंड्री देख रहे हो, यही कैंपियन स्कूल की बाउंड्री है। इसी स्कूल को ओल्ड कैंपियन स्कूल बोला जाता है। और आप, मैंने अभी आपको सूर्यदेव भी दिखाए, सूर्यदेव को देखना बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह, तो काफ़ी अच्छी बात रहती है सूर्यदेव को भी देखना, अपने दिन की शुरुआत करना। और ये अपन मुड़ चुके हैं, मेरे नहीं अभी नहीं मुड़े हैं, अभी अपन आगे मुड़ेंगे। मुझे लगा कि टर्न आ गया है तो मुड़ना है, अब मुड़ना है अपन को। यहाँ से हम मुड़ेंगे लेफ़्ट की ओर। अब आप ये देखिए, ये अपन मुड़े लेफ़्ट की ओर क्यों। अब यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर आएगा थोड़ी सी देर में ही, जो कि हनुमान बब्बा जी का है, और हनुमान बब्बा सबके बब्बा हैं। तो जिनको भी अपनी मनोकामनाएं पूरी करानी हो, फटाफट यहीं पे मांग लेना, अभी सब चीज़ें पूरी होती हैं भाई। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है, अपन टेक्नोलॉजी का हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप देखोगे कि ये दर्शन अपन लोग मानेंगे तो वही मानते हैं कि यार मंदिर पे आए हैं, वही दर्शन कहलाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है यार, सच्ची आस्था से जो चीज़ मांगोगे सब मिलता है। ये है यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर, ये आप लोग देख रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बाबा का। और यहाँ पे और भी बहुत सारे मंदिर हैं, साईं बाबा का भी है इसी में इंक्लूडिंग, यहीं पे श्री राम जी का भी है, शनिदेव का भी मंदिर है, तो सभी तरह सभी मंदिर हैं, सारे भगवान हैं यहाँ पे। और ये रास्ता सीधा होकर के जाएगा, बीच में बहुत सारी अच्छी जगहें भी पड़ेंगी, उसके बाद अपन बीच में लेंगे केले, क्योंकि यार मेरा केले खाने का मन तो हो रहा है यार, बहुत तेज़ मन हो रहा है, तो क्योंकि यार केले खाने ही पड़ेंगे ना। आज सिर्फ मैंने ब्रेकफास्ट में, मतलब खाने से पहले बोल रहा हूँ, जिम के पहले, मतलब मैंने सिर्फ आज कुछ भी नाश्ता नहीं किया है, सिर्फ मैंने काजू खाए थे, ढेर सारे काजू खाए, और काजू खा के मैं निकल गया था घर से, और मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया, लेकिन अभी बता दिया मैंने इसलिए आपको। अब मैंने काजू खा लिए थे, तो मैंने कहा यार प्री वर्कआउट में कुछ तो और खाना पड़ेगा यार, जिससे थोड़ी सी एनर्जी आए, तो एनर्जी के लिए मैंने सोचा कि केले खाता हूँ। तो मेरा जो केले वाला है वो फिक्स है, वहाँ पे मुझे बोलना भी नहीं पड़ता कि भाई तू मुझे केले दे दे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जाके खड़े होना पड़ता है, सामने वाला अंदर से फीलिंग से समझ जाता है कि बाबा केले लेने आया है, बाहर से मस्त मस्त केले रखता है भाई सामने वाला, एकदम लंबे लंबे चौड़े चौड़े। अभी देखो ये आ गए हमारे केले, यहाँ से हम लेंगे कम से कम छः केले, में से दो केले रहते हैं मेरे लिए, दो केले रहते हैं जो हमारे जिम में लाइक एक भाई हैं सुनील भाई करके, उनके लिए दो रहते हैं जेडी भाई के लिए। और ये है प्रोटीन प्लानेट, देखो आप, यहाँ से मैंने कभी प्रोटीन नहीं खरीदा, वो बात अलग है। और ये भी काफ़ी एक मशहूर रोड हुआ करती थी कुछ समय पहले, कि यहाँ पे दुकान लेना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, अभी भी बड़ी बात है, बट अब क्या ना कि बेहतर चीज़ें जब आ जाती हैं ना मार्केट में, तो अपन पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो वही चीज़ अपनी ज़िंदगी में भी होती है, जब अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन चीज़ आती है तो अपन को पुरानी चीज़ें ऑर्डिनरी लगती हैं। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल है अभी आपको आगे वीडियो में दूंगा फिर से। ये देखिए, ये मेरी जिम की बाउंड्री है जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी लगा दूँगा डुगडुगी, मतलब धनु मेरी यहीं खड़ी करता हूँ मैं, और निकालूंगा मैं फटाक से केले, और अब हम बढ़ जाएंगे जिम की ओर, क्योंकि जिम करना है ज़रूरी, इसी के लिए तो आया हूँ मैं। ये हमारे जिम का सामने आप देख रहे हो, ये इस तरफ की पार्किंग है, ये इस तरफ की, ये पार्क है सामने, ये पार्किंग है भाई। प्री वर्कआउट में केले खा चुका हूँ, और एल कार्नेटीन बस ले रहा हूँ, और एल कार्नेटीन इसलिए ले रहा हूँ, पिछले वीडियो में बताया था, उसके पिछले में भी बताया था कि भाई एब्स लेकर आने, एब्स मेरे मतलब मुँह में लीन बट एब्स नहीं है, तो एब्स चाहिए, समझ रहे हो, एब्स इज़ मस्ट। तो एब्स जब होंगे अपने पास तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और भाई पानी भी जो है कांच की बोतल में पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, क्योंकि भाई प्लास्टिक की बोतल में अपन पीते ना, तो उसमें से लाइक
मतलब पानी का टेस्ट मेरे को अच्छा नहीं लगता, कांच में पीने में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है, तो कांच में पानी पीना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों का कैसा क्या सजेशन है ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। और कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे सजेस्ट करते रहा करो, कुछ गलत करता हूँ तो, क्योंकि मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई भी नहीं है सही बताने के लिए गलत बताने के लिए, पर मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो जो चीज़ें मुझे सही पता है मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनना चाहिए कि आप लोगों को भी जो जो सही चीज़ें पता है वो आप मुझे बताओ। ये हम आ गए हैं जिम के अंदर, ये मैंने यहाँ पे कर लिया है कैमरा फिक्स, यहाँ पे जेडी भाई मुझे सिखा रहे हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्होंने मैंने उनसे मैंने गुरु दक्षिणा ले ली है और अब मैं आके बैठ चुका हूँ वेट को लेकर के। लेकिन क्या करूँ पोइंग, यहाँ पे अब मुझे 10 किलो का वेट ही नहीं दिख रहा एक और। ये मेरे ही जिम में होता है या सभी के जिम में होता है ऐसा, एक डंबल मिल गया है दूसरा नहीं मिल रहा है? भाई बहुत दिक्कत होती है यार, बहुत परेशानी होती है, दिमाग ख़राब होता है यार, ये डंबल अम्बल नहीं मिलता है तो। अब देखो मुझे उसका पैर नहीं मिल रहा था वाले डंबल का सेम, तो मैं दूसरे डंबल उठाए मैंने, मैं कहा भाई एक्सरसाइज तो करना है कैसे भी हो, तो मैं पहले ये वार्म अप सेट है एक तरह से, तो फटाफट मैं इसको इसमें मैं आर्नल्ड प्रेस भी कर लूँगा और शोल्डर प्रेस भी करूँगा। आर्नल्ड प्रेस शोल्डर प्रेस, भाई इससे क्या होता है ना आपके, वैसे मैं वार्म अप कर चुका हूँ भाई, वार्म अप जहाँ पे मैं कर रहा था ना वहाँ पे जगह नहीं थी कैमरा फिक्स करने की, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाता वही वार्म अप, पर आप देख सकते हो मेरा डे टू वाले वीडियो में, उसमें वार्म अप है अच्छे से, मैंने जो करता हूँ मैंने वो वार्म अप यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मेरी जो जिम की पूरी ये जो आप एक्सरसाइज वगैरह देख रहे हो ये बहुत ही, मतलब भाई मेरे को बहुत टाइम लगा ये सब चीज़ों को करने में, बहुत समय से करता हुआ आ रहा हूँ, अब जाके मैं इन चीज़ों को लेकर के कंसिस्टेंट हुआ हूँ, तो कंसिस्टेंट हुआ हूँ तो अब बस मेरी यही यहाँ पे है कि यार इस कंसिस्टेंसी को हमेशा बनाए रखूं और अपनी जो एक्सरसाइजेज है उनमें और फिनिशिंग लेकर आते जाऊं, कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि लाइक बॉडी की जो हर एक मसल है वो तक बोलेगी कि यार ये एक्सरसाइज तो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। ऐसा होने लग गया है मेरे साथ, जैसे अगर मैं कुछ गलत एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरी बॉडी खुद मुझे बता देती कि यार तू कुछ गलत कर रहा है। ये आपके साथ भी होगा यदि आप भी जिम विम करते होगे तो, ये आपके साथ भी होगा। ये आप देख रहे हो मेरे पास साइड फैट, ये मेरा साइड फैट है यार, इसके लिए मुझे एल-कार्निटिन पीना पड़ रहा है, क्योंकि जितना हो सकता था नेचुरली उतना मैंने नेचुरली ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब वो नहीं जा रहा है तो मुझे इसलिए इसमें सप्लीमेंट लेना पड़ रहा है। एल-कार्निटिन का मैं आपको काम बता देता हूँ, ऐसा मतलब बोलते हैं कि एल-कार्निटिन क्या करता है, जो आपका फ़ैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अब एकदम से तो पूरा फ़ैट निकाल के एनर्जी में कन्वर्ट कर नहीं देगा, नहीं तो आज अभी तक का सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होता, जिम में छोड़ देते लोग बाग, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा हूँ कि उसका थोड़ा बहुत तो आता है, फ़र्क पड़ता है, फ़र्क महसूस होता है, पर मेरा यही कहना है कि यार जितना हो सके ना आप ट्राई कीजिए नेचुरली। नेचुरली में क्या होता है कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको, मतलब मज़ा आता है यार, हर चीज़ नेचुरल करने में बहुत मज़ा आता है। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि नेचुरल का अगर मैं आपको बताऊँ, मुझे लगभग 6 साल हो गए हैं जिम करते 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 करते, लेकिन अगर मैं आपको कंसिस्टेंटली बोलूं तो मैं 2 साल से कंसिस्टेंट हूं बिल्कुल जिम में। 2 साल भी अभी हुए नहीं, मई में होंगे 2 साल, और ये काफ़ी अच्छी जर्नी रहती है, काफ़ी मज़ा आता है फैट लॉस में, सबसे ज़्यादा फैट लॉस में मज़ा आता है। फैट लॉस में क्या रहता है कि आपका पूरा चेहरा जो है चेंज हो जाता है, आप कहाँ एकदम मोटे गोलू मोलू से दुखने से लेकर के एकदम से पतले से और एकदम से शार्प जॉ लाइन, शार्प बिल्कुल आपके सारे फीचर्स दिखते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। फैट लॉस की जर्नी सभी की बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि बिल्कुल आप एक ही इंसान की दो पर्सनैलिटी दिख जाती है लोगों को। लोग आप खुद कहते हैं यार अब तो तुम मोटे थे यार अभी पतले हो गए ये, और फिट एंड फाइन रहोगे तो भाई थोड़ा सा आपकी वैसे भी अपीलिंग थोड़ा ज़्यादा रहेगी, आप अट्रैक्ट करोगे दूसरे को। मेरे जिम में आप ये देख सकते हो और भी लोग आते हैं जो लोग लाइक हेल्दी हैं थोड़े ज़्यादा, वो लोग फिट होने के लिए आते हैं और ज़्यादा हेल्दी होने के लिए आते हैं यहाँ। बाकी काफ़ी सारे लोग हैं मेरे जिम में जो, मतलब मैं कहूँगा कि यार फिटनेस में बहुत मेहनत कर रहे हैं, करना भी चाहिए, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ये भी है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं अभी मैंने शोल्डर प्रेस लगाए, अब मेरी बारी आ गई है लेटरल रेस की, तो अब यहाँ पे अपन लेटरल रेस करेंगे। ये एक वार्म अप सेट है जिसमें मैं 5 किलो से इस वार्म अप सेट को परफॉर्म कर रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हो ये लेटरल रेस कैसे क्या हो रहे हैं,
इसमें आपको कुछ कैसी क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। लेटरल रेज एक्सरसाइज का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि ये जो है ना आपकी जो शोल्डर की साइड वाली मसल रहती है इसको भी यहाँ पे स्क्वीज़ करता है पूरी तरीके से, और लाइक आपकी जो भी पूरी मसल है उस मसल मेमोरी को अच्छे से मतलब पूरा दिखाता है कि यार किस तरीके से अपन को लाइक मतलब पूरे जो अपने मसल के पूरे जो फीचर्स रहते हैं जितना वो पॉप हो सकती है वहाँ तक का बिल्कुल एंड पॉइंट तक लेकर जाता है लेटरल रेस अपनी मसल को। और अब देखोगे ये अभी बॉडी पंप हो जाएगी थोड़ी सी, मतलब एक एक्सरसाइज बाद मेरी बॉडी और पंप हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा अलग लुक दिखता है। जिम के अंदर लोग बोलते हैं ना कि यार बॉडी अलग दिखती है, बाहर रहो तो बॉडी अलग दिखती है, बिल्कुल यकीनन दिखेगी ना आपकी अलग बॉडी। अब आप ये देखिए ये मेरे शोल्डर थोड़े से पंप हो गए हैं, अब यहाँ पे आप देखिए ये हल्के से अपने आप ही पॉप आउट होते हैं, ऐसी सेम वेंस का रहता है। वेंस आप बाहर नॉर्मल रहोगे तो इतनी नहीं दिखती हैं, लेकिन आप जैसे ही फ्लेक्स करते हो तो वेंस दिखती हैं। तो सेम वेंस के जैसा ही सिस्टम मसल्स का भी है। आप लगभग अगर आप जिम कर रहे हो तो आपकी मसल मतलब आपकी बॉडी पंप रहती है यार आधे घंटे तक, ऐसा मैंने देखा है कि जिम कर लिया आपने आधे घंटे तक बॉडी पंप रहती है, तो काफ़ी सही भी रहता है यार। पंप बॉडी अलग ही दिखती है यार, पंप बॉडी में मतलब आप खुद इंप्रेस हो जाते हो यार अपने आप से कि यार मतलब आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है ये पंप। अब आप ये देखो 7:30 से अपन लगा रहे हैं, अब आप देखिए बॉडी का पंप भी उस हिसाब से चेंज हो रहा है क्योंकि अब वेट लगाते हैं ना अपन, जैसे जैसे वेट अपन कैरी करते हैं वैसे वैसे अपनी बॉडी और में चेंजेस देखते हैं। मुंह देखिए मैं कितना बुरा बनाता हूँ, पर ठीक है कुछ नहीं कर सकते यार। उस टाइम पे वो जो वेट अपन उठाते हैं ना वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं शरीर के अंदर तक की तो ऐसे फेस बनाना मतलब कोई चाहता नहीं है लेकिन बनते हैं अपने आप, कोई भी नहीं चाहता है। बाकी लाइट वेट रहते हैं तो फेस नहीं बनता है इतना ज़्यादा। ये सब हैं यहाँ पे देखिए मेरे, मतलब एक तो क्या है ना कि मैं जब मैं कैमरा वैमरा लेके घूमता रहता हूँ ना तो मेरे को सब वैसे ही घूर रहे होते हैं। अब आप ये देखिए पीछे जो हैं वो भी मेरे वीडियोज़ में ऐसे घूर रहे हैं, तो होता है यार ये सब होता है, ये सब फियर है, इन फियर्स को आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हो वो कर सकते हो भाई, करना चाहिए सभी को, करना चाहिए, अपने फियर से लड़ो, जो चीज़ अच्छी लगती है वो करो। उन चीज़ों के पीछे भागोगे जो आपको अच्छी लगती हैं तो आपकी ज़िंदगी आपको अच्छी लगेगी, और उन चीज़ों के पीछे भागोगे जो पता है कि भागें और अपने हाथ में भी नहीं आए कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो आप। ऐसे वो नहीं कहते कि मछुआरा चारा भी वहीं डालता है जहाँ पे उसको पता है कि मछली आएगी उस चारे को खाने सेम तो यही कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक मैंने बात बोली थी जो आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा था जब जिम के बाहर था कि जब अपनी लाइफ में कोई भी अच्छी चीज़ आ जाती है तो अपन को पुरानी चीज़ें ऑर्डिनरी लगती हैं। वही चीज़ का मैं अभी आपको एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपन कपड़े नहीं पहन रहे होते, अपने घर में कपड़े होते हैं, अपन जो भी अपने पास कपड़े रखे रहते हैं अपन लोग वही पहनते हैं ज़्यादातर, मतलब कहीं भी अच्छी जगह पर जाना है तो अपन वो वाले कपड़े जो अपन को फेवरेट लगते हैं वही पहन के जाते हैं। लेकिन अपन देखते हैं कि जैसे ही अपन ने नए पेयर ऑफ लाइक क्लोथ्स खरीदे तो अपन को फिर वो वाले कपड़े मतलब उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ मिल जाती है तो अपन उसको पहनना छोड़ देते हैं, उसको पहनना कम कर देते हैं, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से लाइफ में भी होता है, चीज़ें बदलती हैं। अब लेटरल रेज के बाद आ गए अपन फ्रंट रेज में। फ्रंट रेज में अपन क्या है ना कि वैसे तो मैं डंबल से भी करता हूँ बट मैं आज करूँगा ये प्लेट से मैं लाइट प्लेट से करूँगा ताकि कि मैं प्रॉपर मेरी मसल को अच्छे से स्ट्रेन कर पाऊँ पूरी तरीके से, जितनी वो स्ट्रेच हो सकती है वहाँ तक उसको उसके स्ट्रेच लेवल तक जाऊँ और पूरा जो मेरी बॉडी का लाइक एक एक मसल का पार्ट है वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ। इससे ये होता है आप लाइट वेट ज़रूर मारते हो लेकिन लाइट वेट में क्या होता है कि आप रैप्स ज़्यादा लोगे ना तो आपकी मसल जो मेमोरी है वो मतलब चेंज हो जाएगी। रैप्स ज़्यादा होंगे तो आपकी मसल जो है वो अच्छे से लाइक मैं कहूँगा कि पंप होती है और उस पंप में फिर आप जब प्रोटीन मतलब अच्छे से मसल आपकी टेयर होती है। और जैसे लोग कहते हैं कि साइज़ बढ़ाने के लिए लाइक वेट ज़्यादा करना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, आप स्ट्रेच करोगे किसी भी चीज़ को तो साइज़ बढ़ेगा, लेकिन मेरा ये सोचना है कि यार मेरा जो साइज़ है इतना बॉडी का ये भी इनफ है, जो भी धीरे धीरे आप बढ़ेगा वो मेरे लिए सही रहेगा।
मैं ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहता हूँ, मेरे हाथ एक एक इंच और इनफ, मतलब आधा इंच या एक इंच और बढ़ जाएंगे, इतना इनफ है मेरे लिए। बाकी आर्म्स में मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं लेग्स के वर्कआउट पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। लेग्स का वर्कआउट इसलिए 2 हफ्ते में 2 बार करता हूँ, और अभी लेकिन मैंने 2 बार बंद कर रखा है। ये आप देख सकते हो मेरे बैक का अभी, और आप देखो शोल्डर कैसे पॉप आउट हो रहे हैं मेरे, क्योंकि भाई शोल्डर से, हाँ एक चीज़ और है, शोल्डर ऐसी मसल है कि ये बहुत ही जल्दी, मतलब आपको इसमें डिफरेंस मिलेगा अगर आप इसकी एक्सरसाइज अच्छे से करते हो तो। और बाकी दूसरी मसल्स में ये रहता है कि यार करते जाओ थोड़ा लेट रिज़ल्ट मिलता है। जैसे अब चेस्ट वाला है, चेस्ट में काफ़ी लेट रिज़ल्ट मिलते हैं। उसका कारण यही है चेस्ट में कि यार मसल जो है, अपन लोग कभी कभार क्या करते हैं, एक्सरसाइजेस से यूज्ड टू हो जाते हैं, तो वो एक्सरसाइजेस अपन को चेंज करते रहना पड़ता है, ये है और कुछ भी नहीं। और अभी अब मैं यही मसल की जो मतलब मेमोरी है, इसको और ज़्यादा बढ़िया करने के लिए, थोड़ा सा टीयर करने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वेट बढ़ा रही है। वेट मैंने यहाँ पे 10 किलो उठा लिया है। अब 10 किलो वेट से अपन फिर से लग गए हैं। अब 10 किलो वेट से अपन जैसे ये फ्रंट रेजेस मार रहे हैं ना, इसमें अपन को अलग ही मेरे को मतलब पेन महसूस हो रहा है अब अपने शोल्डर्स में, क्योंकि भाई क्या ज़्यादा रैप मार लो ना, तो अब मसल की उतनी स्ट्रेंथ रह नहीं पाती है। तो उस स्ट्रेंथ को सही करने के लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि भाई अल्कोहल ज़्यादा अगर आप कंजप्शन करोगे तो आपकी मसल लॉस होगी। तो मतलब आप, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने भी अल्कोहल कंजप्शन किया बीच में थोड़ा सा ज़्यादा, तो उस समय पे मेरा मसल लॉस हो गया। मसल लॉस ज़्यादातर आपका होगा बाइसेप से, जो मेरे साथ हुआ था। बाइसेप आपके एकदम से पतले हो जाएंगे, और उसके अलावा मसल लॉस आपका होगा, हाँ उसके अलावा क्या होगा कि आपकी जो बेली फैट है वो उसमें आपको ग्रोथ दिखेगी जब आप अल्कोहल पीते हो तो। ये इंस्टेंट है, और आप जहाँ ज़्यादा करने लग जाओगे ये इंस्टेंट है ये रिजल्ट्स, इसका कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। और जो लोग डाइट से अपने आप अपने बॉडी फैट को कम या ज़्यादा करते हैं ना, उन लोगों के लिए एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सीन है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप पतले तो हो जाते हो लेकिन आपकी बॉडी फिर वो लीस्ट चीज़ें जो कंजप्शन पे चली जाती हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत में होता है, क्योंकि आप फिर से कुछ खाओगे फिर से वैसे ही बॉडी फैट चढ़ेगा। और यदि आप बॉडी का फैट जो है वो नेचुरल तरीक़ों से हटाओगे, मीन्स नेचुरल तरीके जैसे आपने धीरे धीरे उसको इकट्ठा करा है तो धीरे धीरे हटाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप खाना छोड़ दोगे तो सीधी सी बात है यार कि आप पतले हो ही जाओगे, लिक्विड डाइट्स पे आ जाओगे तो पतले हो ही जाओगे। मैंने वो भी किया है, अगर आप 10 दिन का फास्टिंग करते हो, सिर्फ पानी 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 पीते हो और खाने में कुछ भी थोड़ा सा बस दिन में खाते हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ आप 10 दिन में लगभग 7 से 8 किलो कम कर सकते हो 10 दिन की फास्टिंग में बस। पर मैं सभी को मना करूँगा कि ये चीज़ सही नहीं है, किसी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता तो ऐसा ना करें। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ऐसा कर सकते हैं लेकिन मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद कुछ दिनों तक बहुत वीकनेस रहती है और आपकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या आप ये एक्सरसाइज देख रहे हो, ये भी लेटरल रेज है, लेकिन इसको मैं बैक साइड से इसलिए कर रहा हूँ ताकि कि जो मेरी पीछे की ये जो आप मसल देख रहे हो, अब ये लोग बीच में आ गए हैं, यहाँ से अपन इनको स्किप कर देते हैं, स्किप यहाँ पे फिर मैंने स्किप कर दिया है। और हम इसी फॉर्म को अब मैं दूसरी तरफ से कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने लगाया था कैमरा और सब लोग बीच में आ रहे थे, फिर मैंने यहाँ पे लगाया यहाँ पे, लेकिन मेरा जो फेस है वो अच्छे से नहीं दिख पा रहा, बट ठीक है क्या ही करोगे, मेरा फेस देखकर आप तो बॉडी देख लो, बॉडी भी अभी खैर है पर उतनी बढ़िया तो नहीं है, पर हाँ जर्नी इतनी बढ़िया है कि इस साल में अपन जो आप आज बॉडी देख रहे हो, इस साल के एंड में जस्ट इसकी ड्रास्टिकली चेंज आपको बॉडी मिलेगी, जिसमें आपको लाइक लगेगा कि यार भाई ने मेहनत करी, आप लोगों के आंखों के सामने मेहनत करी है, समझ रहे हो। और ये लेटरल रेज अपन जो लगा रहे हैं इसीलिए लगा रहे हैं ताकि कि अपना जो मसल का मेमोरी है वो और ज़्यादा बढ़िया हो पाए और रैप्स बढ़िया से बढ़िया अपने आ पाएँ। आप लोग देख ही रहे होगे
और ये जितना आप कम वेट से लगाओगे, कम वेट ज़्यादा वेट इसमें कोई भी लेना देना नहीं होता लिटल रेजेस में, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों से तो आप बेफिक्र रहो। और मेजरली जो यहाँ पे मतलब मैं दिक्कतें फेस करता हूँ वो यही है कि यार शोल्डर की एक्सरसाइज आपको बहुत प्रॉपर करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा वेट उठा रहे हो शोल्डर्स में तो हमेशा ध्यान रखो कि आप पूरा फोकस हो आपका, क्योंकि फोकस नहीं रहेगा ना यदि आपका शोल्डर के प्रति, तो भाई शोल्डर में इंजरी तय है। तो फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। मैं कहीं ध्यान नहीं देता हूँ जब एक्सरसाइज करता हूँ, तो कोई फ़ोन वगैरह भी आता है तो भाई मैं उसको डिनाई कर देता हूँ कि भाई इस मोमेंट पे आप डिस्टर्ब मत होना। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ शोल्डर एक बहुत ही लाइक मैं आपको बोलूँगा कि कॉम्प्लिकेटेड मसल है, अगर आप इसके साथ थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करते हो तो ये बुरा मान जाती है भाई, इंजर हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है। और यहाँ पे अब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं कि यार फिटनेस के प्रति आप बढ़िए आगे, क्योंकि फिटनेस जो है वो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स देगी आपके अनुसार, आज नहीं कल नहीं परसों कभी ना कभी, ठीक है। अब आप ये देखिए आप मेरा पूरा पीछे का बैक का पार्ट आप देख रहे होंगे कि पूरा मसल से भरा हुआ आपको दिख रहा है, या आप देख रहे हो मसल से भरा हुआ है। तो ये मैं पूरा ध्यानपूर्वक मसल्स पे ध्यान देता हूँ और उसी हिसाब से इन एक्सरसाइजेस को करता हूँ। बहुत समय लगा है इन सब चीज़ों को करने में, आपको भी लगेगा बट कीजिए। और रही बात देखो ट्रेनर से आप कर लेते हो ना, तो भाई ट्रेनर से पूछ लेना सही होता है। देखो भली मान लिया आपने पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ली है, बट आप किसी भी ट्रेनर से पूछोगे ना कि भाई ये एक्सरसाइज बता दो तो सारे बताते हैं। भाई पूछना आपको ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई कोई आप गलत कर रहे हो तो आपको आके ठीक कर दे, भाई इतना फ्री कोई भी नहीं कि आपको ठीक करने के लिए आएगा, आपको पूछना पड़ेगा। तो आप पूछ लिया करो, पूछने से अच्छी चीज़ें होती हैं, पूछने से आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान ही बढ़ेगा, ज्ञान कम नहीं होगा आपके पास, ठीक है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, ज्ञान आपका बढ़ना ही है, तो ध्यान रखो ये चीज़ों का। अब मैं यहाँ पे है ना इस कैमरे की थोड़ा सा लोकेशन चेंज करता हूँ, क्योंकि यहाँ से अभी तक मैंने आपको बैक पोर्शन मेरा दिखाई दिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी साइड प्रोफाइल के साइड से, लाइक अपन ये एक्सरसाइज करते हैं तो कैसा क्या दिखता है। कि भाई देखो जब अपन एक्सरसाइजेस कर रहे हो ना और वो चीज़ें अपन खुद देख पाएँ, जैसे अभी मैं अपनी एक्सरसाइजेस को देख रहा हूँ तो मैं अपने यहाँ पे पता कर सकता हूँ कि मेरे अंदर क्या दिक्कतें कमी हैं, क्या अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ मैं, क्या सही नहीं कर रहा हूँ, ये सब मुझे पता चल जाता है, ठीक है। अब आप ये देखो यहाँ पे ये पूरी तरीके से देखो, हाथ देखो मेरे कहाँ तक जा रहे हैं, कितना यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है, तो ये सब चीज़ें अपन को पता चल जाती हैं। वेट मैं कितना उठा पा रहा हूँ, सब सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो रहेगा मेरा पोस्चर बहुत बढ़िया है यहाँ पे इस एक्सरसाइज के लिए। और आप लोग देख ही सकते हो कि यार जिम में भी काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, भीड़ रहती है, बट मैं मतलब ऐसी जगह पे वीडियो को सेटल कैमरा को सेटल डाउन करता हूँ कि लाइक कोई इंटरप्ट ना कर पाए। और लोग परेशान तो होते हैं यार, मेरे को घूरते हैं बार बार कि यार ये कहाँ वीडियो लेके आ गया, पागल बोलते होंगे, पागल से बोलते होंगे। और आप देख ही सकते हो ये फिर से दूसरा एंगल इसलिए लिया अपन ने क्योंकि इस एंगल की भी ज़रूरत थी, मुझे खुद को ही देखना था कि यार इस एंगल से मैं कैसा दिख रहा हूँ, थोड़ा पास से दिखेगा तो अच्छा भी लगेगा। तो अब यहाँ मैं पास से कर रहा था क्योंकि काफ़ी मुझे इसमें हेल्प मिली, जिसके थ्रू मुझे भी पता चला कि लाइक पोस्चर में क्या गलतियाँ हैं, क्या ठीक है ये। और आप देखो ये यहाँ पे जैसे जैसे आप वेट हाई करोगे ना तो आपके शोल्डर जो हैं वो उतना ज़्यादा रिवर्ट बैक नहीं करते, ये बाकी। अब आप देखिए यहाँ पे अपन श्रग्स लगा रहे हैं, तो इन श्रग्स में आप देखो मैं लाइट वेट से इसलिए स्टार्ट करता हूँ श्रग्स कि भाई इससे सबसे पहले अपन को ये पता चल जाता है कि अपनी रेंज कितनी आ रही है, और उस रेंज के हिसाब से अपन मतलब और जब वेट्स उठाएंगे तो अपन अच्छे से पुल कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के अपना माइंड सेट जो है वो उस हिसाब से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो ये काफ़ी ज़रूरी भी होता है। इसलिए वार्म अप जो लोग बाग बोलते हैं कि भाई किसी भी एक्सरसाइज का वार्म अप कर लो, तो लाइट वेट से स्टार्ट करनी चाहिए, हल्का सा मतलब ज़्यादा लाइट वेट, और जहाँ तक पुल हो पाए वहाँ तक पुल करना चाहिए। और फिर क्या होता है जब अपन दूसरा भारी वेट उठाते हैं ना तब भी उतना ही पुल कर पाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है कह सकते हैं और काफ़ी बढ़िया रहता है। अभी मैं वेट्स ही ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वेट्स ढूंढने पड़ते हैं हमारे जिम में, वेट्स तो ढूंढने पड़ते हैं भयंकर तरीके से। फिर यहाँ पे मैं एक्सरसाइज
अच्छे से करी मैंने यहाँ पे, देख लो तो आप 15 किलो के डंबल हैं जिसमें मैं पूरी रेंज लाने की कोशिश करता हुआ जब तक आएंगे तब तक करता जाऊंगा। और अब मेरे हो गए यहाँ से पूरी मैंने रखे, अब हम जाते हैं अपराइट रो की ओर। अपराइट रो मैं इसके बाद में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भूल गया था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे इस शोल्डर के वर्कआउट में कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है, तो मैंने पूछा एक हमारे जिम के मित्र से कि यार और क्या एक्सरसाइज होती है, तो उन्होंने बताया कि यार ये एक्सरसाइज अपराइट रो भी होती है। तो अपराइट रो करने आ गया और अपराइट रो आप देख सकते हो कि ये एक अच्छे तरीके से रो रो के मैं अपराइट रो कर रहा हूँ। अपराइट रो करने का फ़ायदा यही है कि आपके जो शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स के आगे वाली जो मसल होती है, जैसा नाइकी का जो आप साइन देख रहे हो, इसके जस्ट इसी की सीध में आप ऊपर की तरफ देखो, जो आपको ये शोल्डर का हेड दिख रहा होगा, यहाँ पे एक मसल और होती है, उसको ये अच्छी तरीके से ट्रेन करता है अपराइट रो एक्सरसाइज। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे शोल्डर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तो आईने में पूरी तरीके से दिख रहे हैं बट आपको नहीं दिख पा रहे हैं। ये हमारे सुनील भैया निकले बीच में से और अब आप देख ही सकते हो ये इस तरीके से कुछ लुक आ रहा है पूरी बॉडी का। फ्लेक्स फ्लेक्स करना ज़रूरी है, फ्लेक्स हाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिम में, आप फ्लेक्स कीजिए। ये फ्लेक्स जो आप करते हो ना, अपनी मसल्स को टाइट करते हो, फॉर्म में लाते हो, ये शो ऑफ के लिए तो होता ही है, लेकिन जब आपकी मसल्स के लिए आप स्ट्रक्चर जो आप बना रहे हो ना, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये चीज़ स्क्वीज़ की जाती है कि आप पूरी तरीके से पंप कर रहे हो, समझ रहे हो। यहाँ पे एक्सरसाइज करते करते जो मज़ा आया ना, वो दोगुना होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पे मैं ये एक्सरसाइज तो कर ही रहा हूँ, अब इसके बाद मैं ना क्योंकि अभी साइड्स भी लगाऊंगा, क्योंकि मेरा जो साइड फैट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप देखो मेरे वीडियो में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मेरा बेली भी दिख रहा होगा आपको, बहुत ही हल्का सा बट दिख रहा होगा, क्योंकि है एक्चुअल में है। और मेरी कोशिश यही है कि जैसे वो जो लाइक ग्रीक टाइप लोगों के जो एब्स होते हैं ना, सेम टू सेम एग्जैक्टली वैसे एब्स मेरे भी आए, तो वो काफ़ी अच्छे लगेंगे। ये मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं थक गया हूँ तो यहाँ पे अब एक जो हमारे ट्रेनर साहब हैं वो आएंगे, मेरे चेहरे पे जूम करेंगे, ये कर दिया उन्होंने, और मैं बड़ा ही खुश हूँ, ये उन्होंने कैमरे की क्वालिटी ख़राब कर दी जूम आउट करके। क्या कर सकते हैं भाई, आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते। जो है ठीक है, गाना चल रहा था, गाने पे वाइप करता हुआ मैं फिर से उठा, मैंने कहा अब तोड़ दूंगा शोल्डर। ये लो गाना चल रहा था, बातें फरेबी रुक जा जरा सांस ले भी बेबी आ। तो ये गाना बहुत ही अच्छा है अर्जुन कनुंगो का, आप भी सुनिएगा, काफ़ी अच्छा मोटिवेशन आता है इस गाने से मस्त जिम करने का। ये मैंने करे फ्लैक्स मेरे शोल्डर, आप देख ही सकते हो, और लाइक तो काफ़ी अच्छा लगता है ये फ्लैक्स करने में और डांस वांस करने में। मुझे डांस करने का बड़ा मन करता है लेकिन यहाँ कोई डांस नहीं करता, मैं ही अकेला करता रहता हूँ इसीलिए। तो ठीक है, अकेला होना भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि आपको किसी के लिए कोई चिंता नहीं करनी, आप जैसे हो जो हो परफेक्ट हो। आप देख सकते हो कि लाइक ये देखो थोड़ा सा क्या क्या मतलब शायद तो मैं हूँ यार, मैं मतलब थोड़ा सा लोगों को देख के मुझे भी अभी भी थोड़ा बहुत एनजाइटी सा फील होता है कि यार क्या है, डर लग रहा है, पर मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा मज़ा है इन्हीं सब चीज़ों में। अब आप ये देखिए यहाँ पे अब मैं साइड्स फैट के लिए एक्सरसाइज करूँगा, पर ये एक्सरसाइज जमेगी नहीं, तो मैं फिर से जो लास्ट वीडियो में दिखाई थी आपको वही एक्सरसाइज करने चले जाऊँगा। और अब हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है, तो मैं आपको फिर मिलूँगा कल। कल मैं जा रहा हूँ ग्वालियर, तो ग्वालियर के लिए हमने बुक करी है वंदे भारत ट्रेन, आप लोगों को वहाँ की शेयर कराऊँगा ग्वालियर की। सायोनारा।